पठानकोट और माझा की ये धरती वीरों की धरती है, वीरों की धरती है। यहां घर घर से नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर सेवा दे रहे हैं। इसी माझा से गुरुओं ने सिख धर्म को भी विस्तार दिया था, लेकिन सरकार अगर संस्कारों के खिलाफ चलने वालों की हो तो वो विरासत और पहचान दोनों को मिटाने के लिए लग जाती है। कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कुकृत्य नहीं किए, इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे आप मुझे बताइए, जरा आप मुझे जवाब दीजिए। इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हमारी सेना पर शक किया था कि नहीं किया था? मेरी इस धरती के लालों पर शक किया था कि नहीं किया था? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? और आप देखिए, पुलवामा के हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमारी सेना की बहादुरी को फिर से सबूत मांगने लग गए हैं। मैं वीर जवानों को और पूर्व सैनिकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे करके कांग्रेस ने मुंह पर ताले लगा लेने की कोशिश की है जी। अब आप लोग ये तय करिए, क्या पंजाब जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य की सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथ में हम दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपको सुरक्षा दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपका भला कर सकते हैं क्या? ये आपकी चिंता कभी कर सकते हैं क्या? अगर इन्हें फिर से मौका मिल गया तो ये पंजाब की सुरक्षा को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले कभी कांग्रेस में कैप्टन साहब जैसे लीडर थे, उनको इस गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, अब तो वो भी वहां नहीं है। और इसलिए 20 फरवरी को पंजाब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भाजपा को एनडीए को वोट देना है। ढींडसा साहब और कैप्टन साहब की पार्टियां भी आज हमारे साथ पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़ी है। 20 फरवरी को पंजाब में शांति और अमन के लिए भाजपा को वोट देना है। 20 फरवरी को पंजाब के विकास के लिए भाजपा को वोट देना है।